Good morning, class. Good morning to all of you. So, kids, today we have to start. So today we have to deal about the internet. Okay, तो internet आजकल तो इतना prominent है कि आपको पता है कि internet is touching every aspect of our life. ठीक है, internet is one of the largest network that links the trillions of computer all over the world. So what is internet? Well, internet is a link. Internet is a link between the trillions of computer. And when we are talking about the computer, that doesn't mean only the desktop. It includes your tablets also, mobile devices also, and your लैपटॉप्स ऑल्सो, है ना. मतलब इतने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम पे क्लास चलती है तो मैम क्या करते हैं, मैम अपने लैपटॉप से आपको कनेक्ट करते हैं. ठीक है, मैम के पास अपना लैपटॉप रहता है, आप सारी सभी बच्चों के पास अपने लैपटॉप्स या मोबाइल या टैबलेट्स होते हैं, एंड देन वी अटेंड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो वो क्या है, इंटरनेट के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम क्या होते हैं, ऐड करते हैं एक दूसरे को. With the help of internet, you can send a message or even talk to your friends online, no matter where he or she is. For example, right now in this phase of corona, you know that we are not meeting, है ना. Classes are not being held as they were earlier. तो मतलब अभी क्या हो रहा है कि अभी मुझे अगर किसी बच्चे से बात करनी है तो what I will do? मैं उसको व्हाट्सअप कर सकती हूँ, मैं उसे कॉल कर सकती हूँ, इंटरनेट पे मैं उसे मेल सेंड कर सकती हूँ. जैसे अभी आपके यूनिट टेस्ट हुए तो आपने कॉपीज अपनी मेल के थ्रू सेंड की, तो जब आपने अपनी कॉपीज मेल के थ्रू सेंड की है तो दैट मीन्स व्हाट, आपने कॉपी मेल के थ्रू मुझे सेंड कर दी, मैम को आपने अपनी कॉपी मेल के थ्रू सेंड कर दी. अब जब मेल के थ्रू आपने कॉपी अपनी सेंड की है मुझे, तो वो इंटरनेट से ही तो आ पाई है ना. तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन सेंड एन अ मैसेज और इवन टॉक टू अ योर फ्रेंड ऑनलाइन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी बच्चे से बात करना है तो मैंने टीम्स ऑन किया और देखो टीम पे देखो बच्चों ने मुझे अपने वर्क भेजे हुए हैं, है ना. टीम पे देखो सभी बच्चों ने मुझे क्या भेजे हुए हैं, अपने वर्क भेजे हुए हैं. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं बच्चों को रिप्लाई कर सकती हूँ, बच्चों से बात कर सकती हूँ, है ना. देखो ढेर सारे बच्चों ने अपने अलग अलग तरीके के मुझे वर्क भेजे हुए, तो मैं यहाँ पे देखो बच्चों का क्या कर सकती हूँ, वर्क देख सकती हूँ, उनको मैं गुड बेटर बेस्ट एनीथिंग जो भी रिमार्क मैं देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ. सोचने वाली बात क्या है कि ये बच्चे मेरे साथ नहीं है अभी, दे आर नॉट विथ मी, मैं इनको पर्सनली या किसी तरह से फिजिकली मैं इनसे नहीं मिल पा रही हूँ, बट मैं इनसे कैसे मिल रही हूँ, आई एम मीटिंग देम वर्चुअली. ओके, सो आई एम मीटिंग देम वर्चुअली नाउ. सो देखो एक एक करके मैं सारे बच्चों से क्या कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ. नाउ सपोज आई वॉन्ट टू टॉक टू एनी ऑफ द किड, ठीक है, तो आई विल गो ऑन चैट एंड देखो चैट्स में भी बच्चों ने वर्क भेजा हुआ, तो मान लो चैट में मुझे तन्वी से बात करनी, तो आई विल टाइप हाई तन्वी, गुड मॉर्निंग तन्वी. ठीक है, आई विल टाइप द गुड मॉर्निंग तन्वी एंड देन आई विल सेंड इट फ्रॉम हियर. दैट मीन्स वॉट, तन्वी इज नॉट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, तन्वी मेरे साथ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बट मैं मैसेज उसे सेंड कर सकती हूँ, मैं मैसेज अमन को भी सेंड कर सकती हूँ. वॉट आई हैव टू डू, आई हैव टू सर्च अमन्स नेम हियर. ठीक है, अमन का नाम मुझे सर्च करना है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अमन के नाम को सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकती हूँ, वर्क मैं अमन को सेंड कर सकती हूँ, वर्क सेंड कर सकती हूँ, कई सारी चीजें. तो इंटरनेट हमें क्या करता है, इंटरनेट हमारी हेल्प करता है लोगों से कनेक्ट होने में. नॉट ओनली दिस, इंटरनेट के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है. अब सपोज मुझे अपने घर के लिए, सपोज मुझे एक न्यू लैपटॉप लेना है, ठीक है, मुझे एक लैपटॉप लेना है, ठीक है, तो मैंने लैपटॉप करके सर्च कर दिया. ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जैसे अब मेरे पास ये पूरी लिस्ट आ गई लैपटॉप्स की कि मैं कौन कौन से लैपटॉप ले सकती हूँ, है ना, विथ देयर प्राइस. तो ऑनलाइन शॉपिंग विदाउट गोइंग टू एनी ऑफ द स्टोर, बिना किसी स्टोर पे गए, मैं किसी स्टोर पे गई भी नहीं, और मेरे पास क्या हो गया, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई लैपटॉप की. यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने फेवरेट लैपटॉप्स को क्या कर सकती हूँ, मैं चूज कर सकती हूँ. मैं यहाँ से अपने फेवरेट लैपटॉप्स को चूज कर लूँगी और क्या करूँगी, आप और मैं खरीद लूँगी. ठीक है, प्लस देखो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, सपोज मैं यहाँ पे सर्च करूँ हॉस्पिटल नियर मी, हॉस्पिटल नियर मी, देखो तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी आई विल गेट टू नो कौन कौन से हॉस्पिटल मेरे अभी करीब, मेरे डायमीटर में कितने हॉस्पिटल आते हैं जहां पे मैं जल्दी से जल्दी पहुंच सकती हूँ. तो
आप देख पा रहे हो कि इंटरनेट कितना हमें फैसिलिटेट करता है ना, इंटरनेट हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। इंटरनेट ने हमारा काम बहुत आसान सा कर दिया है। हम और क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे महाभारत के बारे में कुछ सर्च करना है, ठीक है, मान लो मुझे महाभारत के बारे में कुछ सर्च करना है, तो मैंने क्लिक किया और देखो महाभारत से रिलेटेड वीडियोस प्लस उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जा रही हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इंटरनेट हेल्प अस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, है ना, इंटरनेट हमारी मदद अलग-अलग एस्पेक्ट्स में करता है, ठीक है। नाउ नो वन नोज एग्जैक्टली हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो अभी किसी को नहीं पता, नो वन नोज हाउ मेनी इंटरनेट्स आर रियली, हाउ मेनी सिस्टम्स आर रियली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट इज सर्टेन हाउएवर दैट दीज नंबर्स आर इन ट्रिलियंस, ये नंबर ट्रिलियंस में है एंड दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट। एक रैपिड रेट पे क्या हो रहा है, एक बहुत तेजी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, जो लोग सिटीज में रहते थे, है ना, जो लोग सिटीज में या मेट्रोज में रहते थे, सबसे पहले इंटरनेट एक्सेस उनके पास आया, ठीक है। तो फिर जो विलेजेस में रहते थे उनके पास इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी या उन्हें इस्तेमाल करने नहीं आता था, दे डोंट नो हाउ टू यूज द थिंग्स, ठीक है। बट लेटर ऑन वॉट हैपन, लेटर ऑन वॉट हैपन, अभी के टाइम में क्या हुआ, अब के टाइम में अगर आप एक रिमोट एरिया में भी हो, देन ऑल्सो लोगों को इंटरनेट के बारे में, यूट्यूब के बारे में, मैसेजेस के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में जरूर पता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पता ना हो, ठीक है। अब इंडिया के रिमोटेस्ट एरिया में भी क्या है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, ठीक है। रिमोट इंडिया की जो बहुत ही रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे भी क्या है, इंटरनेट की फैसिलिटीज अब है। तो क्यों है, क्योंकि स्मार्टफोन्स का प्रचलन बढ़ रहा है, स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है और लाइफस्टाइल में चेंजेस जो आ रहा है वो इंटरनेट उसकी एक बहुत बड़ी देन है, ठीक है। नाउ ठीक है, सो दीज नंबर्स आर इन ट्रिलियंस एंड दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट ऑल्सो, ठीक है, बहुत तेजी से। जैसे कोविड से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि छोटे छोटे बच्चों भी इंटरनेट का इस्तेमाल सीखेंगे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आप अपनी मीटिंग अपने से ही ऐड कर लेते हो, आप अपनी मीटिंग भी अपने से अटेंड कर लेते हो, अपना वर्क भी आप सेंड कर पाते हो। तो ये क्या है, इंटरनेट का ही यूज़ है। और अभी आपकी सारी क्लासेस भी जो चल रही है वो भी ऑनलाइन इंटरनेट के ही माध्यम से चल रही है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का यूज क्या क्या है, ये सब सारी बातें तो मैंने बताई है आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। नाउ ऑलमोस्ट जो भी काम हम रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं वो हम वर्चुअल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, वो सारे काम जो हम रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं वो सारे काम हम वर्चुअल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, रियल वर्ल्ड में जैसे मैं लोगों से मिल सकती हूँ, तो अब क्या है, मैं वर्चुअल वर्ल्ड में भी लोगों से मिल सकती हूँ। रियल वर्ल्ड में मैं क्लासेस लेती हूँ, बट नाउ व्हाट हैपेंड, मैं वर्चुअली भी मैं क्लासेस ले रही हूँ और बहुत ही सक्सेसफुली वो क्लासेस चल भी रही हैं। अप्रैल से आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, ये कैसे हो पाया। आप एक बार सोचो, अगर कोविड पीरियड में इंटरनेट नहीं रहता तो क्या हमारी पढ़ाई इसी रेट पे चलती, या क्या इंफॉर्मेशन इसी रेट पे एक दूसरे को हम दे पाते, है ना। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट मैंने जैसे पहले भी बोला कि इंटरनेट हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इंटरनेट क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देर आर मेन, हाँ, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट, लाइक दीज आर सेवरल पॉइंट्स आर गिवन अबाउट द यूजेस ऑफ द इंटरनेट, दिस वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। अब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो तो ऑलमोस्ट एनीथिंग यू डू इन द रियल वर्ल्ड हैज एन इक्विवेलेंट ऑनलाइन वर्ल्ड इंटरनेट पे, ठीक है। लाइक पहले क्या होता था, लोग जाते थे रेस्टोरेंट्स में जाते थे, अब क्या है, हम इंटरनेट की हेल्प से खाना घर पे ही मंगा सकते हैं, ठीक है, हम खाना घर पे मंगा सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले हम जाते थे पहले व्हाट हैपेंड, पहले हमें जब कहीं
की टूर प्लान करनी होती थी तो हमें रेलवे स्टेशन वगैरह के चक्कर काटने पड़ते थे। अभी आई कैन सर्च ऑल दिस थिंग्स हियर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट व्हाट वी कैन गेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ अवर इंटरेस्ट। जिस भी टॉपिक पे हमारा इंटरेस्ट हो, जो भी टॉपिक हमारे इंटरेस्ट का हो, उस टॉपिक पे हमें क्या मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे हमारे हमें उस टॉपिक पे बेस्ड इंफॉर्मेशन क्या है मिल सकती है। नाउ तो सपोज इफ आई वांट सम इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, से इफ आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट से यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, सपोज आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट यूनाइटेड नेशंस, सो आई विल सर्च यूनाइटेड नेशंस एंड हियर आई विल गेट द पिक्चर्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, पिक्चर्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस एंड देन वी कैन गेट यू नो इंफॉर्मेशन, वेरियस इंफॉर्मेशन, वेन इट वॉज फॉर्म, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर, हाउ मेनी परमानेंट मेम्बर एंड थिंग्स लाइक दिस वी कैन गेट। ओके नाउ मूविंग अहेड, इतना हमें समझ में आ गया। अब चलो अब इसके बाद देखते हैं, जब ये हमें समझ में आ गया कि कितने मेंबर्स हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो मतलब हमें जो भी टॉपिक, वॉट एवर द टॉपिक इज, अगर वो हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है, सो अबाउट दैट वी कैन गेट ठीक है, वॉट एवर द टॉपिक इज उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वी कैन गेट इन अवर ऑनलाइन इन अवर गूगल एंड इंटरनेट की मदद से वी कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। फिर ठीक है नाउ नेक्स्ट इज यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, व्हाट हैपन, यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हो। सपोज आप इंडिया में हो, आपकी आपका फ्रेंड बाहर किसी अलग जगह रह रहा है, सपोज ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तो ईजिली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट व्हाट यू कैन डू, यू कैन चैट विथ दैट फ्रेंड, यू कैन यूज द, देयर आर वेरियस इंटरनेट वेबसाइट and they various application which can help you in chatting with your friends. Now next is you can listen to music and watch movies on internet also. We can watch movies and listen to the music on the internet. Suppose I want to watch any movie, say if I want to watch say Baby Boss, so I just have to I just have to search the name of the movie and I will get the clips. ठीक है, तो देखो खाली मूवीज का नाम सर्च करती है, I will get the clips and I will be able to watch these movies. ठीक है, ये मूवीज मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, I can easily see these movies. Fine. Now. You can listen to movie music and watch movies on the internet. You can buy books, toys and other products on the internet. Also, what you can do, you can buy product books, you can buy toys and you can buy the other product on the internet. These are the products that you can buy on the internet. ये सारे product क्या हैं, आप internet पे आपको easily मिल सकते हैं. You can buy books, toys and other product. ठीक है, books हम खरीद सकते हैं. Suppose now suppose if I want to buy any book. Suppose I want to buy say any book. Say suppose I want to buy Harry Potter's book. ठीक है, if I want to buy Harry Potter books. ठीक है, तो I will search it and see यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. ठीक है कि वेयर कैन आई फ्रॉम वेयर विच साइट आई कैन बाई द बुक एंड थिंग्स लाइक दिस, दीज ऑल आर द हैरी पॉटर सीरीज बुक्स एंड व्हाट हैपन, आई कैन बाय बुक्स फ्रॉम दिस साइट. ठीक है, इस साइट से हम क्या कर सकते हैं, आई कैन बाय बुक्स फ्रॉम दिस साइट.
ना, ठीक है. तो दैट मीन्स वी कैन बाय बुक्स ऑल्सो, वी कैन बाय टॉयज ऑल्सो. नाउ इफ आई सर्च हियर, गूगल पे मैंने सर्च किया रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल कार. तो अगर मैं वो सर्च करूं तो देखो मेरे पास ढेर सारी कार्स की पिक्चर मेरे पास आ जाएंगी, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खरीद सकती हूँ. दीज आर द रिमोट कंट्रोल्स कार. तो यू कैन सी, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कार्स है, और मैं इनको क्या कर सकती हूँ, आई कैन ऑर्डर देम ऑनलाइन. मतलब विदाउट गोइंग टू शॉप आई कैन ऑर्डर द स्टेप्स ऑनलाइन, ठीक है, विदाउट गोइंग टू द शॉप. शॉप पे बिना गए आई कैन ऑर्डर द बुक एंड टॉयज हियर सिटिंग एट माई प्लेस, ठीक है. नाउ लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट इज यू कैन सेंड ईमेल मैसेजेस टू योर फ्रेंड. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेंड द ईमेल मैसेजेस टू आवर फ्रेंड. हम क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेंड द ईमेल मैसेजेस ऑल्सो, ठीक है. जैसे अभी आपके एग्जाम्स हुए तो आप क्या करते हो, मैम को मेल सेंड करते हो ना, जब आपके एग्जाम हुए, यूटी यूटी एग्जाम्स होते हैं तो आप मैम को मेल सेंड करते हो कि मैम चेक माई शीट्स. तो सिमिलरली दैट यू कैन डू, सो दैट यू कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो, ठीक है. आपको क्या करोगे, ऑनलाइन आप क्या करोगे, ऑर्डर कर दोगे. ओके ना, नाउ मूविंग अहेड. तो हमने देखा कि इंटरनेट की हेल्प से वी कैन डू द वेरियस स्टफ स्टफ सच एज वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ अवर इंटरेस्ट. किसी भी टॉपिक का कोई भी चीज़ वी कैन सर्च इजली, वी कैन चैट विथ अवर फ्रेंड्स, वी कैन लिसन टू द म्यूजिक एंड वॉच मूवीज. वी कैन लिसन टू द म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक हम देख सकते सुन सकते हैं. वी कैन वॉच मूवीज ऑल्सो. नाउ यू कैन बाय बुक्स एंड टॉयज एंड अदर प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज यू कैन सेंड ई मेल मैसेजेस टू योर फ्रेंड. यू कैन सेंड द ई मेल मैसेजेस टू योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड्स को क्या कर सकते हो, यू कैन सेंड द ई मेल मैसेजेस ऑल्सो. ओके फाइन. नाउ लेट अस मूव अहेड. सो हियर वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया. नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर सेल्फ इवेल्युएशन. वी हैव टू डू द सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस. ओके सो टेक योर पेंसिल विथ यू एंड या स्टार्ट डूइंग. नाउ द क्वेश्चन इज सेल्फ इवेल्युएशन. आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई नो दीज पॉइंट, ठीक है. आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर वॉट यू हैव टू डू, यू नो दीज पॉइंट, यू नो द फॉलोइंग पॉइंट. नाउ द फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज आई नो दैट मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड वीडियोज एंड एनिमेशन. सो आई नो दैट द मल्टीमीडिया इज वॉट, मल्टीमीडिया इज द मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड वीडियोज एंड एनिमेशन. ठीक है, सो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी विल मार्क टिक हियर. तो क्या वाकई ये बात तो सच है कि मल्टीमीडिया क्या होती है, एक कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट ग्राफिक साउंड वीडियोस एंड एनिमेशन. ओके मतलब तो आप क्या, हमें क्या समझ में आया कि मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया एक कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट ग्राफिक वीडियोज एंड एनिमेशन का. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आई नो दैट मल्टीमीडिया सिस्टम शुड हैव मॉनिटर सीडी रोम डीवीडी ड्राइव स्पीकर माइक्रोफोन्स एंड हेडफोन.
ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इज वॉट, रीड द सेकेंड पॉइंट. ओके नाउ, सो आई नो दैट द मल्टीमीडिया सिस्टम शुड हैव द मॉनिटर, सीडी रोम, डीवीडी ड्राइव, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड हेडफोन. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए किसमें, एक मल्टीमीडिया सिस्टम है. मल्टीमीडिया सिस्टम देखो मतलब क्या कि एक मॉनिटर होना चाहिए जिसकी जिस पे हम क्या करें, हम अपना डिवाइस देख पाएँ. देन स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन, दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज, आई नो दैट वी कैन प्ले ऑडियो एंड वीडियो सीडीज थ्रू द मल्टीमीडिया सिस्टम. आई नो दैट वी कैन प्ले ऑडियो एंड वीडियो सीडीज थ्रू द मल्टीमीडिया सिस्टम. आई फुली नो दैट द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट लिंक्स द मेनी कंप्यूटर. वेल, द स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट इंटरनेट इज वॉट, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी कंप्यूटर. ठीक है, लार्जेस्ट नेटवर्क होता है जो कि कई सारे कंप्यूटर्स को क्या करता है, लिंक करता है. इट लिंक्स वेरियस कंप्यूटर. ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज वॉट करेक्ट. अभी हमने आज की क्लास में देखा कि इंटरनेट क्या होता है. इंटरनेट इज वॉट, इंटरनेट इज नथिंग बट अ कनेक्शन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, ये हमने समझा कि इंटरनेट में क्या होता है. हमने पढ़ा ना कि इंटरनेट इज द कनेक्शन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर, दे आर ज्वाइंट विथ ईच अदर टू प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन. ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, या दिस इज वॉट, दिस होल थिंग इज कनेक्टेड. ठीक है, मतलब जैसे मेरे व्हाट्सएप पे कोई, आई सपोज आई वॉन्ट टू सेंड एनी पिक्चर टू यू, तो वॉट आई विल डू, आई विल सेंड दैट पिक्चर टू यू ऑन योर व्हाट्सएप. तो दैट मीन्स वॉट, जो पिक्चर पहले मेरे व्हाट्सएप पे थी, नाउ इट इज़ ऑन योर व्हाट्सएप. ठीक है, अब वो आपके व्हाट्सएप पे नज़र आ रही है. ठीक है, वो आपके व्हाट्सएप पे अब क्या हो रही है, नज़र आ रही है. तो दैट मीन्स वॉट, दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड इंटरनेट के माध्यम से. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेस क्वेश्चन. ठीक है, अगला इज वॉट, एक्सरसाइजेस क्वेश्चन. टेक द करेक्ट आंसर. डैश ड्राइव इज रिक्वायर्ड टू प्ले मल्टीमीडिया सीडी और डीवीडी. डैश ड्राइव, नाउ विच ड्राइव यू विल रिक्वायर टू प्ले द मल्टीमीडिया सीडी एंड डीवीडी. हाँ, हार्ड डिस्क, डीवीडी और बोथ ए एंड डी, बताओ विच ड्राइव यू विल रिक्वायर. लेट अस सर्च फॉर द आंसर, विच ड्राइव यू विल रिक्वायर्ड. ठीक है, सो इट इज यूज टू प्ले सी डी और डीवीडी डिस्क. ठीक है, डीवीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव का यूज क्या होता है, टू प्ले द, यस, तो डीवीडी ड्राइव, सी डी और डीवीडी के लिए क्या यूज होता है, वी कैन मार्क डीवीडी ड्राइव. ठीक है, नाउ मेक द लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव. विच ऑफ द फ्लोइंग विल मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव. मल्टी मीडिया, क्योंकि मल्टी मीडिया पे वॉट हैपन, आई कैन शो यू द स्लाइड, आई कैन शो यू द पिक्चर, आई कैन शो यू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. वॉट दे विल डू, ऑल दीज थिंग्स विल make your presentation interactive and effective. ठीक है, multimedia games, ये सारी चीजें क्या करेंगी आपको, तो multimedia हो गई. multimedia क्या करती है, हमारी learning को क्या बनाती है, और ज्यादा effective बनाती है. ठीक है, कैसे बनाती है, now the question is how it do this. क्योंकि देखो multimedia क्या करता है, हमारे सारे सेंसेस को एक साथ क्या करता है, टारगेट करता है. मल्टीमीडिया हमारे सारे सेंसेस को एक साथ क्या करता है, टारगेट करता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, डैश हेल्प टू इम्प्रूव द कॉग्निटिव स्किल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू improve the cognitive skill. Tell me which of the following will help to improve the cognitive skill. Games help us to improve our cognitive skill.
गेम क्या करता है, गेम हमें मदद करता है हमारी कॉग्निटिव स्किल को बेहतर बनाता है। डैश इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, वेदर इट इज मल्टीमीडिया और इंटरनेट। देखो डीवीडी तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, डीवीडी तो टोटली गलत है, डीवीडी आंसर हो ही नहीं सकता। तो इट कैन बी इंटरनेट और इट कैन बी मल्टीमीडिया, ये या तो मल्टीमीडिया है या तो इंटरनेट है, ठीक है। सो द आंसर मस्ट बी इंटरनेट, है ना। इंटरनेट के बारे में हमने पढ़ा, अभी हमने ग्लोसरीज में भी देखा और फिर हमने अभी इसको अभी बुक में भी पढ़ा था अबाउट दिस कि इंटरनेट इज व्हाट। इंटरनेट इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट इज व्हाट, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस लेटर। नाउ दिस इज व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, वी हैव टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स। लेट अस डू द फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। तो अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक साउंड एंड एनिमेशन एंड वीडियो। सो व्हाट विल बी द आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक साउंड एंड एनिमेशन। सो द आंसर मस्ट बी मल्टीमीडिया। आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी मल्टी मीडिया। मल्टी मीडिया इज वॉट, मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया, ठीक है। मल्टी मीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्स्ट ग्राफिक्स एनिमेशन साउंड एंड वीडियोज। यू कैन यूज मल्टी मीडिया प्रोग्राम फॉर वेरियस पर्पज, ठीक है। वी कैन यूज मल्टी मीडिया प्रोग्राम फॉर द वेरियस पर्पज, ठीक है। अलग अलग कई तरह के काम हम क्या कर सकते हैं, मल्टी मीडिया की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज वॉट आफ्टर दिस, ठीक है। देखो तो वी कैन यू कैन यूज द मल्टी मीडिया प्रोग्राम फॉर वेरियस पर्पज और वी कैन राइट एडुकेशनल पर्पज। एडुकेशनल पर्पज मतलब जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टी मीडिया पे रिलाई करते हैं, वहाँ पे हम हेल्प लेते हैं उससे। मल्टी मीडिया प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन, मल्टी मीडिया प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन, अब ये बताओ मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, कैसे अवेलेबल हो पाएंगे, ऑन सीडी एंड डीवीडीज। सीडीज एंड डीवीडीज हमने पढ़ा था ना कि सीडीज डीवीडीज पे क्या होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स पे क्या होता है, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स आपको सीडी एंड डीवीडी से अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एटलस, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें, और उनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी एडुकेशन को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर व्हाट। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके नाउ मूविंग अहेड, यू कैन गेट, सो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर व्हाट, कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क। यू कैन गेट डैश ऑन एनी टॉपिक ऑन योर इंटरेस्ट इन द इंटरनेट। ओके इंफॉर्मेशन, सो यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट इन इंटरनेट। ओके सो क्लास दिस इज इट फॉर टुडे एंड नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास टू डिस्कस द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड द रेस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चन।